हेलो हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब कोई? आई होप यू गाइस आर कीपिंग वेल एंड मार्केट इज कीपिंग यू बिजी। मार्केट तो हम सबको बहुत बिजी रख रहा है। अजीब अजीब तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं। हाँ, 2 दिन पहले कुछ और होता है, 2 दिन बाद कुछ और हो जाता है। ये जो प्राइस करेक्शन और टाइम बेस्ड करेक्शन, एक्चुअली इस पे और दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज शायद ये होना ही था। 24 घंटे में जो मार्केट ने रुख बदली है, शायद ये प्री प्लान था, शायद ये होना था। तो कभी मौका मिलेगा तो इस पे स्टडी करेंगे, इस पे एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन आज ईएलएम लाइव वेडनेसडे 6 बजे, ये मेरा समय है और मैं इनवाइट करता हूँ मेरे प्रिय एक्सपर्ट्स को, जो मुझे जेन्युइनली लगता है कि मार्केट में जेन्युइन काम कर रहे हैं और उनसे हमको सीखना चाहिए। ये मार्केट में तो एक्टिव हैं ही, पर साथ में लोगों को सिखाने में बिलीव करते हैं। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है ईएलएम लाइव सेशन को होस्ट करने में। आज की जो ईएलएम लाइव सेशन में मेरे जो गेस्ट हैं वो है ज्योति जी। ज्योति जी मार्केट में बहुत टाइम से, इनकी फैमिली मार्केट से बिलोंग करती है, तो इनके एक्चुअली बोला जाए तो खून में मार्केट है। तो आज उनसे सीखेंगे, फेस टू फेस मैंने इनके साथ किया था, बड़ा मजा आया था, उनसे कुछ सीखा था मैंने। उसके बाद ज्योति जी ने हमारे ईएलएम मार्केट्स प्लेटफॉर्म पे काफी वेबिनार्स भी लिए हैं। एक एक वेबिनार जबरदस्त वेबिनार्स है, तो आज भी एक नया लर्निंग होगा। ओपन इंटरेस्ट, स्टॉक्स में कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, और कुछ आपके क्वेश्चंस मिलेंगे और ज्योति जी से उनके आंसर्स निकालेंगे। हेलो ज्योति जी, वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप मुझे विवेक बोलिए। ओके विवेक जी, बट सर तो बनता है, ठीक है, इट्स ओके इफ यू से विवेक जी, देन इट्स विवेक जी। एंड थैंक यू, इतना तो आई एम ठीक सॉरी, है। आई हैव अ बैड थ्रोट टुडे। या सो दोस्तों, ज्योति जी का मेरे पास दोपहर में फोन आया था कि इस थ्रोट में करना चाहिए क्या। तो मैंने कहा देखिए, आवाज तो आपकी स्वीट है ही और इस थ्रोट में भी स्वीटी लग रही है, बाकी आपको तकलीफ अगर है तो हम ड्यूरेशन थोड़ा कम कर देंगे ताकि बहुत ज्यादा आपको बोलना ना पड़े। तो दोस्तों, हम लोग तकरीबन 35 से 45 मिनट तक का सेशन माइंड में रखे हैं। अगर इनकी आवाज और परमिट करी तो लंबा चला देंगे, लेकिन मैक्सिमम 45 मिनट तक ये सेशन रहेगा। तो आपके लिए भी सही है, 45 मिनट तो आप सुन ही सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको तो पता है ईएलएम मार्केट्स में एंटरटेनमेंट कम होता है, सीरियस लर्निंग होती है, तो यहाँ ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है। तो आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखिए। अभी ज्योति जी हमको सिखाएंगी कोई कॉन्सेप्ट जो इन्होंने डिजाइन किया है। ये इस कॉन्सेप्ट को लेके ट्रेड कर रही है। आई थिंक ज्योति जी टाटा पावर का कुछ एग्जाम्पल भी हमको दिखाएंगी, कोई स्टॉक का, जिससे हमको समझ में आएगा कि वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट होके मार्केट में एक सही दिशा हमको दिखा रहा है। तो पहले उनकी सुनेंगे, आई थिंक 20-25 मिनट ज्योति जी की सुनेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगता है रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को लोगे। एक छोटी सी बात दोस्तों, कमेंट मैं बहुत सीरियसली पढ़ता हूँ, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ। तो मेरी एक आपसे प्रिय सजेशन है कि कमेंट में बुरा भला मत बोलिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप मेरा फ्लो खराब करेंगे अगर आप बुरा भला बोलेंगे तो, और मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, तो उससे आपको भी कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, अगर आप मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस ना पूछे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे, तो हम ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछेगा, बट लास्ट में 2-3 हम लोग ले लेंगे ताकि आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाए, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज ये मौका नहीं मिलता है कि हमको ज्योति जी जैसे सीरियस लोग मिलते हैं जो पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इतने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो इस मौका को फालतू क्वेश्चंस पूछ के खराब ना करें, ठीक है? चलिए ज्योति जी, अब आपके ऊपर में, मैं ज्यादा टाइम ले लिया आपका, बट चलिए चालू करते हैं। नहीं, अभी आपने बोला ना कि मार्केट में करेक्शन और टाइमिंग की बात है, तो ये चीज मैंने देखा है पिछले कई सालों में, मतलब जो मेरा 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, इवन फ्रॉम रिंग टाइम्स ऑल्सो, कि कभी भी कोई स्टॉक 50, 80, 100% या मोर देन 50, 60, 70% एक महीने में बढ़ जाता है, तो उसमें कभी भी जब करेक्शन आता है तो वो करेक्शन जो होता है वो एक तो अचानक आएगा, और जब आएगा तो आपको बोल के नहीं आएगा, और बहुत, मतलब जैसे अभी आईसीआरटीसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी हालत तो ये हो गई थी कि जितना इसका आईपीओ था करीब करीब वो जो उतना बढ़ रहा था। दैट सही इज बात। एक्चुअली नॉट गुड। तो वो महीने भर में वो है, आईएक्स है, तो इसलिए ये सब तो होना ही था। इसके ऊपर मैंने सेशन बना रखा है, कभी फुर्सत से आपसे डिस्कस करेंगे। ये मेरी एक स्टडी है।
चलिए, वो भी आपसे कभी मौका मिलेगा एक और, तो आपसे खींच लेंगे वो मौका को, और आपसे वो मौका वो भी स्टडी लेंगे। और आज आज आप कुछ और स्टडी हमारे लिए तैयार करके आए हैं, तो चलिए आपका प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और टेक अस थ्रू दैट जर्नी ऑफ न्यू लर्निंग। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि मैं ओपन इंटरेस्ट के ऊपर, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट ओपन इंटरेस्ट। जी, मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप, मैं ये दो ट्रेड्स लेती हूँ ज्यादा करके। आई बिलीव इन अ ट्रेंड, आइदर दिस वे और दिस वे। जी, अब जब ये ट्रेंड आता है, जैसे कि जिसको हम लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं और शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं, जब हम फ्यूचर्स में काम करते हैं, तो जब ये ट्रेंड आता है, मैंने ये देखा है, इट्स विथ माय ऑब्जर्वेशन कि दिस ट्रेंड इज फास्ट एंड फ्यूरियस। व्हाई? बिकॉज इट इज अ ट्रेंड जहां पे लोगों को ऐसा लगता है कि बस फटाफट भाग जाए, गिर जाए कुछ भी। एंड वॉट आई हैव सीन, व्हेन आई हैव सीन अ लॉन्ग बिल्टअप, आई डोंट ओनली डायरेक्टली बिलीव इन लॉन्ग बिल्टअप, अलॉन्ग विथ लॉन्ग बिल्टअप ऑन चार्ट्स, मैं चार्ट्स को भी साथ में स्टडी करती हूँ। ओके, तो जब चार्ट्स को स्टडी करती हूँ, तो उसमें एक ओपन एंड लो ऑलमोस्ट सेम दिखना चाहिए इन डेली चार्ट्स। सेम मतलब, जैसे मान लो अगर 232 का प्राइस है, ओपन है, और लो जो है वो 231 या 230 हाफ तक मैं उसको पकड़ लेती हूँ, अराउंड से 1 to 1.5% to 0.75 बेसिस। सो इसको रफली मैं ऐसा गिन लेती हूँ, लेकिन इतना निफ्टी में नहीं गिन सकती, निफ्टी में 10-12-15 पॉइंट हो गया वैसे, और सब हंसेंगे भी शायद, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी ना के बराबर ट्रेड करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि भाई लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में एक्सपर्ट नहीं हूँ। सो आई रेयरली, वेरी 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 रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून आई ट्रेड इन बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में 10-12-15 पॉइंट अप एंड डाउन को मैं ऑलमोस्ट ओपन लो या ओपन हाई गिन सकती हूँ। एंड आई ओनली सी डेली चार्ट्स इन दिस केस, आई डोंट गो टू इंट्राडे। तो एक ये दिस प्लस दिस, ये दो कॉम्बिनेशन हो गया, तो आई टेक द चार्ट्स, आई टेक द रीडिंग, एंड जनरली आई हैव सीन द मूवमेंट कमिंग। वो जो एक यूफोरिया जिसको हम बोलते हैं ना, वो आता है। ये यूफोरिया क्या होता है, जब भी कोई चीज की एक्साइटमेंट जैसे हम में रहती है, तो जनरली वो 4-5 डेज की रहती है। कोई भी नया एक्साइटमेंट हो, हम कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करें, कोई भी, हमारी एक स्कूल टाइम में हमारी मार्कशीट आती थी और हम फर्स्ट आ जाते थे, हाईएस्ट टॉपर बन जाते थे, वो एक्साइटमेंट कोई भी हो या कोई भी पैनिक हो, 4-5 दिन तक उसका रहता है, उसके बाद उसका वो सब उतरना शुरू हो जाता है या नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो जो नॉर्मल सिनारियो मैंने देखा है, इट इज माई ओन स्टडी एंड ये नॉर्मल सिनारियो मैंने देखा है, सब लोग इसको बैक टेस्ट भी करें। देखिए कोई भी ट्रेड, पहले बैक टेस्ट फिर फ्रंट टेस्ट, क्योंकि बैक टेस्ट में मैंने जितना पैसा कमाया है ना, तो शायद मैं पूरी दुनिया खरीद लेती। सही बात है। लेकिन अगर जब मैं फ्रंट टेस्ट करती हूँ, तो मैं बहुत छोटे छोटे इसे करती हूँ, ट्रायल जिसको बोलते हैं। बिकॉज मेरे एक फ्रेंड है शुभम अग्रवाल, कॉन्सेप्ट वाले, उनका उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी कि ट्रायल्स आर डन ऑन रैट्स नॉट ऑन एलिफेंट्स। सही बात है। मैं जो है कैश में स्टार्ट करती हूँ, अगर कोई नई स्टडी मिलती है, डायरेक्ट एफएनओ में जंप करने के बदले, और फिर आज ये चीज मैं यूज करती हूँ पिछले 6-7 सालों से, और अभी तक भी ये पुरानी नहीं हुई है, अभी तक भी पैसा देती है। पहले मैं इसको ओपन लो के हिसाब से यूज करती थी, अभी मैं इसमें थोड़ा सा बफर रखने लगी हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबको पता है कि ओपन लो के नीचे सब लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीब करीब उसके आज के लो के नीचे या गए कल के लो के नीचे। इफ यस्टरडेज लो इज डीप, देन आई विल प्रिफर लिटिल बिट ऑफ टूडेज लो। And if I am doing in futures, then there will be a hedge trade.
आई डोंट ट्रेड विदाउट अ हेज. इफ ऑप्शंस भी है तो कॉल बाय किया है या पुट बाय किया है, बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ बायर साइड. मुझे थोड़ी बाइंग अच्छी लगती है, चाहे वो कॉल बाइंग हो या पुट बाइंग हो. मे बी आई एम बायस्ड, दैट्स ओके, बट आई लाइक बाइंग. तो उसमें भी मैं सबसे ये कहती हूँ कि भाई आपने ऑप्शन बाय किया है, डोंट कीप इट फॉर मोर देन 4-5 डेज. इफ यू वॉन्ट टू कीप मोर देन 4-5 डेज देन डू अ स्प्रेड. इसका रीजन है जी, इसका रीजन ये है कि सपोज करो अगर मैं 10 लाख रुपया लोन लू और लेके बाय एनी चांस मैं कबड़ में रख देती हूँ और ब्याज भरती हूँ. और क्यों लिया लोन? क्योंकि क्या पता कल को इमरजेंसी आ जाए और मुझे वो पैसे की जरूरत पड़े. तो उसके लिए तो मैं जब चाहूँ रब ले सकती हूँ. लेकिन नहीं नहीं नहीं, पता नहीं हाथ में कैश होना चाहिए, ऐसा अगर मैं सोचूं और लोन भरते जाऊं और एक दिन वो पैसा जीरो हो जाए तो लोग मुझे क्या कहेंगे, पागल? ऐसा कोई करता है क्या कि दे टेक द मनी ऑन लोन एंड कीप इट इन कबर्ड? सो व्हाट आर ऑप्शंस? ऑप्शंस आर आल्सो अ टाइप ऑफ दैट ओनली, व्हाट यू आर टेकिंग इट एंड कीपिंग इट इन कबर्ड. एवरी डे देयर इज अ टाइम डीके. Do you agree or no? Absolutely, absolutely. तो वही काम हम जब ऑप्शंस में बाय करते हैं तब हमको गलत नहीं लगता है कि हम उसको महीने भर तक होल्ड किए हुए हैं. तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी यूफोरिया आता है तो वो 4-5 दिन में खत्म हो जाता है. Now I'll tell you an interesting thing. आपने तो नोटिस किया ही होगा बिकॉज यू आर द मास्टर माइंड. अप्रॉक्सीमेटली ट्रेंडिंग ट्रेंड गिव्स मी 8-10% इन नॉर्मल स्टॉक्स एंड 10-15% इन एबनॉर्मल स्टॉक्स. इन हाउ मेनी डेज? इन 4-5 डेज. फेयर पॉइंट. हाँ, फेयर पॉइंट. नाउ आई नो द मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड ऑफ 8-10%. And that too in 4-5 days. Sorry. 4-5 days. Yeah. So I would rather prefer to go out of the money for 8-10% roughly, because वहाँ पे मेरा costing कम होता है and वो doubling भी होने के chance है. Okay. And generally वो double होते हैं, लेकिन stop loss hit होता है. ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है. मैं ऐसी ट्रेडर नहीं हूँ जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है. स्टॉप लॉस हिट होता है, अच्छे से होता है. मतलब आप रियल ट्रेडर है, आप फ्यूचर ट्रेडर नहीं है? नहीं सर, मेरा तो है ना, मैं आपको बोलूं कि मेरा 60% का स्ट्राइक रेट है, मैं तो ये बोलती हूँ. अच्छा, 40% में आप गलत होते हैं, इसका मतलब आप ट्विटर में आप नहीं है, इसका मतलब एक्टिव नहीं. मैं ट्विटर पे एक्टिव नहीं हूँ. मैं ट्विटर पे क्या है कि कभी कोई नॉलेजेबल चीज मिलती है तो डाल देती हूँ, अदरवाइज मैं ट्विटर पे एक्टिव नहीं हूँ. मैं ट्विटर पे, मेरे पास एक्चुअली क्या होता है कि 3:30 तक तो हम मार्केट में ही रहते हैं, तो कहाँ से एक्टिव होंगी? मार्केट इतना बिजी रखता है तो सही है. मैं पॉइंट्स, ज्योति जी, मैं नोट करता जा रहा हूँ ताकि लास्ट में जब मैं लोगों को एक समराइज करूंगा ना तो एक नोट्स बन जाएगा. तो पहला आपने जो पॉइंट बोला कि ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्डअप जब आप देख रहे हैं तो आप ये भी देख रहे हैं कि ओपन और लो मोर ऑर लेस सेम है. करेक्ट. और जब भी आप कोई भी लॉन्ग साइड में खेलना इज अ रॉन्ग वर्ड बट लॉन्ग टाइम लॉन्ग साइड में जब आप पोजिशन लेना चाहते हैं ऑप्शन में, विच इज योर प्रेफर्ड मोड, आप ले के काम करना चाहते हैं, तो आप 4-5 दिन का पोजिशन रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 4-5 दिन में मोटा मोटी 8-10% या 10-15% का मूवमेंट मिल जाएगा. हाँ, तो मेरा क्या है, आइदर प्राइस स्टॉप लॉस और टाइम स्टॉप लॉस. फैंटास्टिक. आपने दोनों को इसमें इंकॉर्पोरेट कर दिया, प्राइस को भी और समय को भी. और एक्चुअली ऑप्शंस के लिए ये दोनों को ही इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. सर मैं बाहर हूँ, पैसा कबड़ में रख के ब्याज नहीं दे सकती, और वो भी मतलब आप समझते हो ना, एडीज ऐसा नहीं कर सकते ना. वो मेंटालिटी तो मेरे में है, हम ब्याज जो है वो चुपता है. ज्योति जी, आप लेडीज लोग का बात मत छेड़िए, क्योंकि सबके घर में भर भर के कैश निकला था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था. सारी हाँ सर, जितना निकला था ना उससे ज्यादा भुगत चुके झाड़ू पोछा करके 1.5 साल में.
अरे ये टॉपिक चेंज करते हैं, ये बहुत डेंजरस टॉपिक हो रहा है, चेंज करते हैं टॉपिक चेंज, जल्दी। टॉपिक चेंज, टॉपिक चेंज। हाँ चलिए आगे बढ़िए ज्योति जी। अच्छा वैसे ही शॉर्ट बिल्टअप में भी हम देखेंगे तो उसके साथ में मैं क्या देखूंगी, ओपन एंड हाई ऑलमोस्ट सेम, ओके श्योर राइट। और या सर जब जब ये वाला मार्क, ये है नॉर्मल अंडर नॉर्मल मार्केट सिनारियोज, नॉट लाइक द सिनारियोज विच आर हैविंग टुडे। ओके टुडे इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 days ओनली, ओके तो ज्योति एंड जी सम बात, एंड मैक्सिमम टाइम आई गेट द रिजल्ट द सेम डे और द नेक्स्ट डे। तो मुझे बताइए बट एक नॉर्मल और एबनॉर्मल मार्केट सिनेरियो को अगर हमको डिफाइन करना है, सो कैन बी यूज विक्स एज अ बेंचमार्क टू डिफाइन नॉर्मल एबनॉर्मल? क्या हम ये बोल सकते हैं कि 15% के ऊपर का विक्स एबनॉर्मल मार्केट है, 15 के नीचे का विक्स जो है नॉर्मल मार्केट है? कैन बी अटेम्प्ट sort टू? of yes, sort of yes, but if you see in a broader way, ये दिनों में पिछले 15-20 दिन से, महीने से आप देख रहे हो कि एक कोई भी एक शेयर होता है वो पहले दिन अपर सर्किट पे होता है, दूसरे दिन लोअर सर्किट पे होता है। वो तो पांच छह जो नाम है ना, ये वो उनकी कहानी चल रही नहीं है। नहीं उनके अलावा भी सर, अच्छा मैंने कभी आईटीसी को अपर सर्किट नहीं टच करते हुए देखा है इन कई हाँ सालों में। अगर समझ गया। उसने टच किया है तो मतलब एबनॉर्मल मार्केट। अच्छा अपर सर्किट में नॉर्मल है और आईटीसी डाउन सर्किट होता तो नॉर्मल था। तो भी अबनॉर्मल है, आईटीसी को सर्किट लगना इज अबनॉर्मल। आप है ना कैलकटा के अगेंस्ट, आपका बायसनेस है, कैलकटा की कंपनी है तो आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं सर मैं क्या, मैं इफ यू वोंट बिलीव, मैं 97-98 की बात कर रही हूँ, जब मैं आईटीसी में बहुत ट्रेड करती थी और मैंने आईटीसी में एक ही दिन में अपर सर्किट और लोअर सर्किट देखा है, जी, 96-97 की बात है। और मैं कैलकटा के अगेंस्ट में तो बात ही नहीं कर सकती क्योंकि मेरे दादाजी तो कैलकटा के साइड में थे। क्या अच्छा चलिए पब्लिक में ना वो मुझे, टाइम पे उसको बाड़ा बोलते थे। हाँ करेक्ट करेक्ट, मुझे यस मुझे ना सबसे ट्रोलिंग मिलने वाली है, डांट पड़ने वाली है कि ये काम की बात कर रही है तो मजाक कर रहा है यहाँ पे। चलिए ज्योति जी आगे बढ़ते हैं, सॉरी। हाँ तो नहीं देखिए सर, कुछ पुराने टर्म्स याद आते हैं तो अपने यार पास वैसे लोग भी तो हैं। जी, तो ये जो पूरा सिनेरियो अभी आपने देखा, तो मैंने इसके ऊपर कुछ बनाया है, जी कुछ स्टॉक्स लिए थे, आपको दिखाऊं। अगर आपको याद होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अपना ये इंटरव्यू कुछ पहला एक महीना पहले होने वाला था, किसी जी कारणवश नहीं हुआ, जी 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 उसी दिन की बात है। तो मैंने एक केस स्टडी किया था, मतलब करती तो रोज ही हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे इंडिगो मिला था। जी इफ यू कैन सी आई शो यू इन अ बिग डिटेल। तो सबसे पहले मैं इंडिगो को देखती हूँ, मतलब सबसे पहले मैं निकालती हूँ कि कौन से लॉन्ग बिल्डअप में, कौन से शॉर्ट बिल्डअप में। तो इफ आई सी इंडिगो इज इन लॉन्ग, राइट। उसके बाद मैंने चेक किया, इसके ऑप्शंस लिक्विड नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये चेक करा फिर उसका चार्ट, तो चार्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। इफ यू सी ओपन एंड लो इज ऑलमोस्ट सेम, राइट। सी इफ यू कैन सी ओपन एंड लो इज ऑलमोस्ट सेम, आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू। या एंड इफ यू सी इट्स अ रियल टाइम चार्ट, जी आई गॉट दिस एट 11:33 एंड इफ यू सी इट्स ओपन लो इज ऑलमोस्ट सेम, राइट। जी हेज ट्रेड भी कर सकती क्योंकि ऑप्शंस लिक्विड है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल बाय द शेयर्स इन कैश, जी ट्रेड तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
जी एंड नाउ यू कैन सी सही है। इफ यू सी इट 1, 2, 3, 4 एग्जिटेड। मेरा 10% 8 to 10% आई एम एग्जिटेड। अब मेरा मुझे 10% नहीं मिला, ये कंफर्म है जी, बिकॉज आई कैन नॉट बाय एट द लो एंड बॉटम एंड कैन नॉट सेल एट द टॉप। बट इफ आई गेट 4% और 5% और समथिंग लाइक दैट, नेट में 3-4-5% भी मिल गया ना, तो अपन खुश। दैट इज हाउ आई एम अ कंजर्वेटिव ट्रेडर बाय द वे, आई विल टेल यू, सो यू वोंट गेट मसाला फ्रॉम मी। मैं सच आई डोंट ट्रेड 10 आई डोंट ट्रेड 10 20 स्टॉक्स। सॉरी सर, मैं बोल रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर जितना कंजर्वेटिव रहे ना उतना लंबे दौर तक चल पाएंगे। तो आपके जैसे कंजर्वेटिव अगर लोग बन जाए तो बहुत सही है, कंसिस्टेंट पैसा बन सकता है। हाँ सर, अभी जैसे एक मैंने सेम चीज निकाली थी तीन एक दिन पहले आईटीसी में ऐसे लेट हो गया। और आज सुबह ही मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं ना जब ट्रेड करती हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, भले ही बाद में उड़ा डालती हूँ, शाम को उड़ा देती हूँ, लेकिन इसलिए रखती हूँ जिससे क्या है कि मुझे ट्रेड समझता रहे। तो ये देखिए करीब ओपन एंड लो बाटा में था आज, राइट? ओके। एंड प्लस आई हैड दिस स्क्रीनशॉट फॉर यू, ओआई बिल्डअप हुआ था। हाँ, ओआई बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप है। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन ले लिया 2300 का, लेकिन ये एक सर्टन लेवल पे जाके और इसने खत्म कर दिया मेरे ट्रेड को। कैसे खत्म किया वो? अच्छा, इसके अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड कर सकती हूँ या कोई भी कर सकते हैं, वो है ये मैं आई चार्ट्स में से ऑप्शंस के चार्ट्स निकालती हूँ, उसका भी ब्रेकआउट था एट सेम टाइम। इफ यू सी इट विल बी अराउंड 9:35, 9:39। एक मिनट ज्योति जी, मेरा एक क्वेश्चन आ गया माइंड में, सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडिल। ओपन लो सेम रेट पे है और ओआई जो बिल्डअप हुआ है वो इंट्राडे ओआई की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो कंबाइन रहता, मतलब कैरी ऑन रहता है ना। नहीं, मैं तो बिल्डअप हो रहा है ना, मतलब लाइव ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ। ओह अच्छा, ये एंड ऑफ द डे नहीं है, ये लाइव है। सर आप टाइम देख लीजिए ना सर। अच्छा समझ गया मैं, तो ये लाइव मार्केट के अंदर में आप देखते हैं कि जो जो स्टॉक्स में ओपन और लो सेम है और उनमें से किन किन स्टॉक्स में ओआई बिल्डअप हो रहा है। हाँ, तभी तो ट्रेड ले पाऊंगी ना, एंड ऑफ द डे देखूंगी तो कल कैसे होगा। आज के लिए देखना है ना सर। समझ गया, तो ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है एक तरीके से। नहीं, इंट्राडे नहीं है, मैंने कहा ना 4 to 5 days मैक्सिमम। अच्छा, लेकिन आप इंटर कर रहे हैं इंट्राडे, हो सकता है पोजीशन 4-5 दिन के लिए कैरी कर रहे हैं। नहीं, मेरे को 8-10% जिस दिन मिल जाएगा, सेम डे भी मिला तो मैं निकल जाऊंगी। अच्छा, मतलब प्राइस का मूवमेंट 8 to 10% मेरे हाथ में, 8 to 10% नहीं। समझ गया। बिकॉज उसका एक मूवमेंट, एक यूफोरिया, एक पैनिक और एक वो लेवल रहता है ना, सही। वो मूवमेंट हो गया तो आई एम आउट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली आई ट्राई टू टीच एवरीवन एंड almost every week I teach this. ये question बहुत अच्छा सा KK जी ने पूछा है, कि आप question भी देख रहे होंगे सामने कि नहीं, मेरे आप, question पे ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ आपको कि मैम open is equal to low या open is equal to high, market शुरू होने यानी 9:15 के बाद किस time को लेती हैं? मैं 9:30 के बाद trade करती हूँ। ठीक है, 9:30 मेरा सवा नौ से 9:30 तक तो स्टडी चलती है कि क्या हो रहा है मार्केट में, आज मजा आ रहा है क्या हो रहा है। आप देखिए रफली अराउंड अबाउट 3% का ओआई चेंज है और प्राइस चेंज में ज्यादा फर्क नहीं है जी। और भी शेयर्स थे लेकिन एक हाथ आ जाए ना तो नजर उस पे से हटती नहीं है, ये आप भी जानते हो जी।
हाँ, और ट्रेडर्स लोग को तो बस उस वो मिल गया तो बस उसमें काम में लगे रहते हैं। सही बात है। तो ये कर लिया, और फिर ये क्या हुआ, मुझे ये 2300 का ऑप्शन मिल गया करीब 19:30 में, क्योंकि मुझे ब्रेकआउट भी मिल गया था आई चार्ट्स पे। मैंने आपको अभी जो दिखाया था जी ये आई चार्ट्स पे, मैं ऑप्शंस के देखती हूँ तो उस पे मुझे ब्रेकआउट भी मिल गया। अब मेरा अच्छा एक्सपेक्टेशन तो 10% रहता है, तो मैंने उठा के जब भाव 2100 के 2150 के आसपास चल रहा था, 2150, तो आई सोल्ड अ 2000, आई बॉट अ 2300 का कॉल। जी ना हाउ आई वर्क इज लाइक, से इफ आई बॉट इट एट 19.5, माई एस एल विल बी सम मीन्स 50%, आई डोंट टेक अ वेरी बिग लॉस। मतलब 5 से 7 हजार रुपया एक लॉट के पीछे लॉस हो सकता है। एंड आई ट्रेड इन इवन लॉट्स। रीजन ऑफ ट्रेडिंग इन इवन लॉट्स, व्हेन द प्राइस बिकम्स डबल आई कैन एग्जिट हाफ एंड मेक माय कॉस्ट जीरो। बाद में जो होगा देखा जाएगा। फिर बाद में अगर वो रिवर्सल आया, कुछ भी आया, मेरा ट्रेलिंग एसएल चलता है। देन व्हेन इट रीचेस टू से 25, माय यहाँ पे मेरा एसएल 9.5 होगा, तो नाउ माय ट्रेल एसएल विल बिकम 19.5, नॉट सॉरी नॉट 19.5, इट विल बी 10 रुपीज डाउन, सो इट विल बी अराउंड अबाउट 14.5, और से कैसे भी आप समझे 30 होगा, तो 19.5 कॉस्ट टू कॉस्ट, और इसने 35 मारा तो मेरा एसएल हो जाएगा अराउंड 25। एक बार ज्योति जी वापस से बता दीजिए ना, थोड़ा हो सकता है स्लो जाना पड़ रहा है, बट एक बार वापस से ये बताइए ना। हाँ सर, स्लो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी समझते हैं उनको हम 100% समझेंगे। हम ज्यादा टॉपिक्स नहीं लेके, भले ही कम टॉपिक्स लेंगे, लेकिन जो भी है उसको 100% समझेंगे। जी सपोज करो मैंने इसको 19.5 में 2300 का कॉल बाय किया, आपने बाई किया, क्योंकि इसके अंदर में आपको लॉन्ग बिल्डअप नजर आया है और ओपन और लो सेम है, तो इसलिए आपने बाई किया 9:30 बजे के करीब, हाँ सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है जी। राइट। प्राइस चल रही है 2150, ठीक है जी, मैं 150 रुपया ऊपर बाय कर रही हूँ। 150 रुपया कर रहे हैं, क्योंकि आपको 10% का मूवमेंट दिखता है 3-4 दिन के बिल्कुल, अंदर। और कॉस्टिंग कम है, मुझे कम जी कॉस्ट चलेगी, क्योंकि मुझे ज्यादा लॉस नहीं चाहिए। अगर मैं एटीएम लूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जल्दी हिट होने का चांस होता है, और जी मैं सॉरी मैं अप्रोक्सीमेटली 5 to 7,000 से ज्यादा एक मैक्सिमम ऑन वन लॉट आई कैन टेक, नॉट मोर देन दैट। ओके आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर देन दैट। पैसा जितना आए अच्छा लगता है, लेकिन जाने में आपको भी अच्छा नहीं लगता है। सो रियलिस्टिक बात है तो इसलिए 5 to 7,000 आई रफली टेक इट। जी तो बाटा का जैसे लॉट साइज है 550, जी ये बाटा था, सो 10 रुपीज का एसएल हो गया। आई एम सॉरी, इफ इट वॉज लाइक से आईटीसी, देन 2 रुपीज एसएल वुड बी देयर। जी जो भी है, एंड नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस मूव्स बाय 5 रुपीज, आई ट्रेल माय एसएल टू 5 रुपीज, ओके मीन्स 950 का एसएल हो गया 1450 टीएसएल। जी जब प्राइस 30 पहुंची तो मेरा टीएसएल 1950 हो गया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। और जब ये 35 पहुंचा तो मेरा टीएसएल हो गया 25। ओके और मेरा अगर ये 36 क्रॉस कर जाता तो मेरा एक जो आधा लॉट कट जाता, बट अनफॉर्चुनेट 38 क्रॉस करता तो मेरा आधा लॉट कट जाता। अनफॉर्चुनेटली वो 35.95 से रिवर्स मार गया,
तो अब ये तो पता नहीं चलता है कि ये एग्जैक्टली 38 से रिवर्स मारेगा या 35 से, उतना तो किसी को पता नहीं चलता। तो TSL गया, गया तो गया, लेके ही गया, कुछ ना कुछ लेके नहीं गया। दो तीन दिन पहले ITC किया था, उसमें मेरा SL हिट हो गया। सो दिस इज हाउ आई ट्रेड, कि भाई व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग बिल्ट अप, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 8-10% मूवमेंट इन 4-5 डेज। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब हम लोग ओआई बिल्डअप देख रहे हैं इंट्राडे, इंट्राडे चेंज है, वो चेंज इन ओआई है, चेंज इन ओआई जो हम इंट्राडे देख रहे हैं उसके अंदर में हमको प्राइस, क्योंकि वो रियल टाइम नहीं होता एक्सचेंज, उसमें करीबन आई थिंक 2-3 मिनट डिले देता है। हाँ, बिल्कुल डिले लेता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस तो भाग चुका है और जब तक ओपन इंटरेस्ट, हाँ तो बहुत ज्यादा भाग चुका होता है तो छोड़ दो। तो आपको कितने ट्रेड मिल जाते हैं, एकदम ऑनेस्टली बताइए, महीने में कितने ट्रेड मिलते हैं आपको? सर मुझे महीने में 8-10 मिल जाते हैं। अच्छा, और उसमें स्ट्राइक रेट कितना होगा? मैंने कहा ना 60%। अच्छा अच्छा, पूरा टाइम खाली महीने में 10 ट्रेड करेंगे तो आपको लगता है कि उससे बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा? सर अभी आते हैं ना, पैसा कैसे बनता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए। मैं तो बोलती हूँ ट्रेडिंग से खर्चा निकलता है। अच्छा, ओ ओके, पैसा ट्रेडिंग से नहीं, मैं उतनी स्मार्ट ट्रेडर नहीं हूँ कि मतलब वेल्थ क्रिएट कर सकूँ इस ट्रेडिंग से। अच्छा, बट आप देखिए स्टॉप लॉस जो है वो मेरा नॉमिनल है, लेकिन मैं टारगेट को होल्ड करके रखती हूँ। तो ट्रेडिंग से आपके हिसाब से, ज्योति जी थोड़ा ऑफ टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा, ट्रेडिंग के हिसाब, ट्रेडिंग में आपके हिसाब से महीने का कितना रिटर्न आदमी को एक्सपेक्ट करना चाहिए परसेंटेज तौर से? एटलीस्ट सर इसमें कैसे बताएं कि कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब ये पूछते हैं कि हमको कितना कमाना है, कितना कैपिटल लगाना है। नहीं, यहाँ देखिए मेरे जो लर्नर्स हैं सब छोटे कैपिटल वाले लोग, ज्यादातर क्या छोटे कैपिटल वाले लोग, इसीलिए तो मैं ऑप्शंस पे बात कर रही हूँ और छोटी अमाउंट के हिसाब से ट्रेड बता रही हूँ। हाँ, बट आपके हिसाब से कितना रिटर्न, एकदम ऑनेस्टली बताइएगा, क्योंकि आप ना मुझे बहुत ऑनेस्ट पर्सन लगते हैं, तो आप ऑनेस्टली बताइएगा कि महीने का कितना रिटर्न एक इंसान को एक्सपेक्ट करना चाहिए परसेंटेज? कैपिटल के हिसाब से अगर वो सारे डिसिप्लिन के साथ में काम करे तो 8-10%। 8-10% महीने का? बट ऑप्शंस है तो आप ये ध्यान रखिए, इसमें आप 5-10 लाख रुपए नहीं लगा सकते। कितना लगा सकते हैं? नॉट मोर देन 50,000, नॉट इन वन ऑप्शन, इट शुड बी डिवाइडेड, बिकॉज मेरी जो अगर आप देखो इसकी कॉस्टिंग 10K है। मैं 10-15K से ज्यादा एक ऑप्शन में नहीं लगाती, मतलब एक लॉट में। तो प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो लॉट बढ़ेगी। तो 10,000 रुपया आप पर ट्रेड में 10,000 रुपए की बात करें, मतलब आप समझिए, एक बार जस्ट एक फिक्टिशियस एग्जांपल लेते हैं कि कोई राजेश जी हैं, उनके पास 1,00,000 रुपए हैं। हाँ, अब इस स्ट्रेटजी पे या इस तरह की कोई ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं, तो उनको वो 1,00,000 कितना महीने का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? 1,00,000 है तो सबसे पहले तो उनको मैं ये कहूंगी कि 50,000 से ज्यादा डाले ही नहीं। ठीक है, एग्रीड, 50,000 बच गए। हाँ, वो रखिए, अगर जीरो हो गया ना तो सीखिए पहले कि कहाँ पे आप अटक गए थे। ठीक है, राइट। और उस 50,000 में से 25,000 गए ना तो भी बंद कर दो ट्रेड। अरे ऐसे कैसे चलेगा, 50,000 रुपए लगने दीजिए ना, उतना तो सोच के आया इंसान। सर क्या है, अगर हर ट्रेड पे SL हिट हो रहा है ना तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। बरोबर है, तो चलिए ठीक है, पहले उसको स्टडी करिए ना सर, स्लो जाइए। आज जितने सालों से हूं कि मैं, क्या है सर, एक सर्टेन एज पे के बाद जो है एग्रेसिवनेस खत्म हो जाती है, स्टेबल लाइफ बन जाती है। अच्छा चलिए, 25,000 का आपका मान लेते हैं, अपन लोग का 25,000 का उसका कैपिटल स्टॉप लॉस है। हाँ। अब रिटर्न होते हैं कि
अगर वो 1 लाख रुपया कमिट कर रखा है, 50,000 रुपया चलो उसने डाल दिया बट कमिट उसने 1 लाख कर रखा है। हाँ, तो अभी मैं आपको ट्रेड दिखा रही हूँ, ये आज कितना पैसा आया आज मुझे, आज कितना आया, 3,000 रुपये आए। हाँ रफली। हाँ कितने पे? 10,000 पे। राइट, गए हाँ। कल मैंने से, मैं आपको दिखाती हूँ, इंडिगो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कैश में ले लिया। हाँ। 4 दिन में मुझे अगर 4% भी मिलता है तो करीब 100 रुपये तो करीब हो ही जाता है ना। ओके। तो आप 100 शेयर ले रहे हो कैश में, तो आप 100 शेयर ले ही सकते हो 1.5-2 लाख का। तो 8-10 हज़ार रुपये तो हो ही गए। अब रॉन्ग भी ट्रेड्स भी तो होंगे 40%। हाँ तो कितने रॉन्ग हो गए, मैं गिनाती हूँ ना, रुको तो। हाँ ठीक है। हाँ अभी आप यहाँ पे आइए, कल का ट्रेड, कल का एक शॉर्ट बिल्टअप मिला था टाटा पावर। सर ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं ना, यही 6% काम कर जाते हैं। मैं इसी के हिसाब से 10% आपको बोल रही हूँ, 8-10%। सब कोई तो टाटा पावर खरीद रहा था, आप बेच रहे थे, आप ही थे वो जो बेचे हैं। सर कैन यू सी शॉर्ट बिल्ट अप, 1% समथिंग मोर देन 3% वाई चेंज, कैन यू सी दैट? जी जी जी। अब इसमें आ जाइए, हम आपको वो भी सब दिखाते हैं, क्योंकि कल का ये एक्चुअल ट्रेड जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पब्लिक के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सब सीखे हैं, सब करें, सब बढ़े। मेरा तो ये है कि किसी पे डिपेंड ना हो, सब सीखो ना। तो मैंने क्या किया कि भाव जब था, इफ यू सी द रेट, व्हाट वाज द रेट, rate was approximately 255. I will show you the chart also. सब लेके रखा हुआ है, मैं सारे स्क्रीनशॉट्स जैसे जैसे ट्रेड करती हूँ मैं लेके रखती हूँ, फिर बाद में सब डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। Can you see? It was around 255 with open high. लेकिन यहाँ पे मुझे वो शॉर्ट बिल्डअप नहीं मिला, शॉर्ट बिल्डअप मुझे आके यहाँ मिलेगा, क्योंकि उसको कल के प्राइस के नीचे आना पड़ेगा। ओके। एंड इफ यू सी 260 मतलब ओपन एंड हाई इज ऑलमोस्ट सेम, 1.5-2 रुपए का करीब फर्क है। गॉट इट? ओके। अगर आपको याद होगा तो मैंने अपना एक आपके यहाँ वेबिनार किया था अपना ईलर्न पे, हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल्स। या उसमें मैंने गैप अप ओपन हाई सिखाया था। एकदम एकदम, बहुत अच्छा वेबिनार था, बहुत अच्छा फीडबैक मिला था उस वेबिनार को। अब ये देखिए इतना राइज कितने दिन में हुआ है सर, महीना भी नहीं हुआ है। और उसमें गैप अप ओपन हाई देखो, एक यहां मिला राइट, एक यहां मिला। तो कल जब ये मुझे ओपन हाई गैप अप मिला तो भी मैं शॉर्ट बिल्टअप का अगर वेट करती हूँ और उसके बाद अगर इसको ट्रेड करती हूँ तो आप ये देखिए कि मुझे अब इसमें मेरा पैसा ज़्यादा लग गया, क्योंकि इसकी लॉट साइज बहुत बड़ी है। तो इसमें मैं 2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकती हूँ ना जी। अगर मैं नहीं तो 5-6-7-8-10 तक भी कर लूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सपायरी नज़दीक है, इतना बड़ा अमाउंट लगाने में डर लगता है, इसमें अगर SL हिट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो 200 एक्सपेक्टेशन कितना है शॉर्ट बिल्ट अप का, हमने बात की थी 8-10% जी, 255 का 8-10% ऑफ अप्रोक्सीमेटली वर्क्स आउट टू 25 रुपीस। करेक्ट। तो मैंने 230 नहीं लेके 220 ले लिया राइट। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 737 जो था वो 210 की स्ट्राइक का था।
एंड उस टाइम पे आईवीज बहुत फास्ट मूव हो रही थी दोनों साइड में, राइट। अब इसके बाद मैंने क्या किया, प्राइस डबल, सेम डे 10% नीचे है सर। एंड इफ यू बिलीव आधे घंटे में इसने 8% नीचे दे दिया, आधा घंटा भी नहीं लिया, आधे घंटे में इट वाज डाउन बाय 8%, प्राइस वाज डबल माय हाफ लॉट स्क्वेयर्ड ऑफ। मतलब अगर मैंने एक लॉट खत्म कर दिया 7 रुपए में जी, अब दूसरा जो बचा था वो 10 रुपए में खत्म कर दिया व्हेन प्राइस केम टू अराउंड 225, 10-12 रुपए। हाँ क्या बोलते हो सर? अब नहीं, ये तो हो गया, आपने चलिए कैपिटल लगाया उस पे, एक अनयूजुअल दिन में बड़ा पैसा बन गया सर। ये बनता है अगर मैं 10 लॉट ट्रेड करती हूँ, मतलब 10 या 15, 10-12-15 कभी कभी 15 मिलते हैं, 10-12 ट्रेड भी अगर मैं कर लेती हूँ ना, मुझे ये अमाउंट मिलता है। और आपने देखा स्टॉप लॉस में बहुत छोटा लगाती हूँ, 5,000-7,000 बस। तो आप ज्योति जी, आप 50,000 रुपये पे मोर और लेस आप सेम डे एक या दो स्टॉक में ट्रेड करेंगे, करेक्ट? बिकॉज ज्यादा स्टॉक आते नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। हाँ। आप कितनों पे नजर रखेंगे? एक यही क्वेश्चन एक्चुअली किसी ने पूछा था, मैं उनका क्वेश्चन भी यहाँ पर डाल देता हूँ। सर मुझसे ये लोगों को ये शिकायत है, हाँ, कि जब मैं किसी को एडवाइस भी देती हूँ तो मैं उनको बोलते हैं कि नहीं, दूसरे हम लोग को तो है ना दिन के 10-10, 12-12 कॉल्स आते हैं, आप तो दिन के एक या दो ही देते हो। मैंने कहा ठीक है, इट्स योर चॉइस। नहीं देखिए, ऐसा है कि हम लोग को क्या है, फ्री में मिर्ची का आदत वो लगा हुआ है कि सब्जी खरीदने के बाद जब तक वो धनिया फ्री नहीं मिलेगा तब तक हमारी डीप रूटेड है। हमको लगता है कि ज्यादा एक इतने रुपए में ज्यादा माल मिलना चाहिए। लोग ये नहीं समझते हैं कि इतने रुपए में अगर एक भी मिला और उसका एक्यूरेसी 100% है तो दैट इज फार मोर इफेक्टिव देन ज्यादा। सर मैं ये सेशन करते रहती हूँ और कई बार तो मैंने ये इतने स्मॉल तरीके से आज इसमें डाल भी दिया, आपके साथ फ्री में भी डाला है ये। एंड आई बिलीव कि भाई आप इसको सीख लो, ये सिंपल है। हाँ ये जरूर है कि जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं 5-6 सालों से कर रही हूँ तो मेरी नज़र बैठी हुई है। जी जी, इसको प्रैक्टिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। डेटा आजकल डेटा कहाँ नहीं मिलता, सबके ट्रेडिंग टर्मिनल पे है ये डेटा एकदम ओपन इंटर। या अगर कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि ओपन इंटर का डेटा कहाँ मिलता है तो आप प्लीज थोड़ा सा स्टडी करिए। हाँ मैं बिल्कुल बता देती हूँ। एक तो देखिए कॉन्सेप्ट में मिलता है, वहां जाके बिल्टअप में जाइए, बिल्टअप में जाके स्क्रिप्ट में जाके सिंबल में जाइए, ये आपको पूरा डेटा मिल गया। कंबाइंड का देखना है तो कंबाइंड, नहीं तो मंथली देखना है तो मंथली। और इसमें आपको लॉन्ग बिल्टअप देखना है तो लॉन्ग बिल्टअप देख लीजिए और फिर प्राइस को ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग कर लीजिए। ये लाइव है क्या? ये लाइव रहता है, मतलब वही 3-4 मिनट के बाद रिफ्रेश तो आपको करना पड़ेगा, ऑटो रिफ्रेश नहीं होता। हाँ वो तो एक्सचेंज वाला ही नहीं देता तो कैसे होगा। तो हाँ दूसरा मैं क्या करती हूँ, एक और तरीका है, मनी कंट्रोल में गूगल कर लीजिए मनी कंट्रोल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और यहाँ पे चले जाइए, इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमको लॉन्ग बिल्टअप देखना है तो इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट अप प्राइस अप इस पर हम क्लिक करेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स लेट्स से अक्टूबर एक्सपायरी एंड से गो। और
ये परसेंटेज चेंज को हम क्लिक करेंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग आ जाएगा एंड वी कैन सी इट इन दिस वे। और आई चार्ट्स भी अगर आप खोलते हैं, और मैक्सिमम ब्रोकर्स लोग देते हैं ये सब। हाँ करेक्ट है, आजकल करीब करीब सारे ब्रोकर्स देने लग गए हैं। आप अगर नहीं है तो जैसे अगर आप इसे ये ऑप्शन टूल्स पे जाते हैं, तो जैसे ही आप ऑप्शन टूल्स पे जाते हैं तो ये वाला जो है आपको आराम से मिल जाएगा, लॉन्ग बिल्ट अप, शॉर्ट बिल्ट अप, लॉन्ग अनवाइंडिंग। और मैं बोलती हूँ कि जैसे क्या किसी भी आपका किसी भी ब्रोकर से, आजकल सारे ब्रोकर्स जो है ये वेबसाइट पे या कहीं ना कहीं ये फैसिलिटी देते ही देते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो आप दोस्तों जिनको नहीं पता है, आप अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है चारों तरफ ये। और नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों जो मैं यूज कर रही हूँ, व्हाट्सएप वाला ये और ये मनी कंट्रोल वाला, ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो लॉटरी लग गई। चलिए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो रियल टाइम ओपन इंटरेस्ट के लिए आप ये दोनों प्लेटफॉर्म, लेकिन आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रियल टाइम ही है लेकिन फिर भी रिफ्रेश इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एनएससी से ये डायरेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे रेट्स कंटिन्यूअस होते हैं। समझ गया, समझ गया। सही है, अब हाँ अच्छा है ना, एकदम सही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब ये देखिए पुट क्या गिरा है, टाटा पावर कल का एक ही दिन मेरा काम हो गया। एंड सी इट इज लाइव, मैंने इवनिंग का ले, देखो आपको 237 हो गया था अपना काम, प्राइस भी डबल वगैरह सब हो गया था। तो ये एक तरीका है, फिर आप पूछोगे कि मैं करती क्या हूँ। चार्ट्स जो है, ट्रेडिंग व्यू है, आई चार्ट्स है, investing.com है, और वैसे ये भी आजकल सारे ब्रोकर्स देते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चार्ट्स। आई डोंट थिंक शायद ही कोई ऐसा ब्रोकर होगा। जीरोदा में ऑप्शंस के चार्ट्स भी आते हैं और टेक्निकल ये स्टॉक्स के भी आते हैं। आई थिंक इवन इन शेर खान आजकल ऑप्शन के चार्ट्स बहुत लोग देने लग गए। जी जी, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, बट आई यूज दिस बिकॉज मुझे ये कंफर्टेबल है, मेरा हाथ बैठा हुआ है। इवन जिसके पास फाल्कन है तो फाल्कन में भी आपको ये सब दिख जाएगा। जी, अब मेरा जो है, मैं अपने प्रॉफिट्स को कैसे एलोकेट करती हूँ। मैंने एक सेशन आपके यहाँ लिया था मल्टीबैगर, जी क्लासिक वो वेबिनार था कि स्टॉक कैसे मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं 10% अपना प्रॉफिट मल्टीवेगर में डालती रहती हूँ। पैसा वेल्थ वहां से क्रिएट होता है भैया, सही बात है। और बाकी सब जो भी है, रिजर्व भी रखना पड़ता है अगर कोई महीना लॉस में चला जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हर महीना मेरा ही हो, सही बात। मार्केट है, मैं ओवरऑल पूरे साल का जो मेरे ट्रेड्स होते हैं ना उसके एवरेज लेके आपको बोलती हूँ, मैं 60% राइट होती हूँ। 60%? हाँ। और आप अभी तक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए मंथली? 8-10% आ जाए तो मैं आई एम हैप्पी सर। 8-10% ऑफ द कैपिटल? हाँ, मतलब 1,00,000 पे 8-10% की, वो 50,000 पे 8-10%। सर अब मुझे आप बताइए, अब देखिए ऐसा है, अब सब लोग हंसेंगे मेरे पे और भर भर के ट्रोल करेंगे क्योंकि अगर मैं कहूं कि पैसा डबल होता है तो सब ट्रोल करेंगे मुझ पे, इसलिए कंजर्वेटिव बन रही थी। समझ गया मैं, ठीक है। अभी आप देखिए, मुझे अगर 4 रुपया मिला टाटा पावर में तो कितना मिला होगा इंटू 6750। 1,00,000 डबल में बेचा था ना, तो कितना मिला होगा? 25,000 रुपया। कितना लगाया था मैंने सर? लगाया था करीब इतना ही ना,
इतना ही लगाया था। हाँ क्यों, अरे इसकी प्राइस इतनी हाई, आप मुझे पूछोगे इतनी हाई प्राइस में क्यों लगाया था, 100 के ऊपर की आईवी थी, फिर भी मैंने लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ब्रेकडाउन वो दिखा था, ओपन हाई विद शॉर्ट बिल्ट अप, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई ये गिरेगा ठक करके, दैट इज व्हाट। और मैंने कहा ना, जो शेयर 50% से 100% महीने भर में मूव हो जाते हैं, वो किस तरह से फॉल होते हैं ना, जब फॉल होते हैं तो ऐसे ही फॉल होते हैं, उनकी स्पीड जो है वो गजब की होती है। अच्छा, एक टिंकू सेठ साहब बोल रहे हैं कि एडलवाइस में अवेलेबल है ये, और वो ऑटो रिफ्रेश होता है, जस्ट हाँ, तो हो सकता है। हाँ तो ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। थैंक यू फॉर योर एडवाइस एंड हेल्पिंग मी आउट। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल टेल पीपल, शो पीपल दैट इवन इन एडलवाइस इट इज देयर एंड इट इज लाइव। और एडलवाइस में आपको अकाउंट खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनका ऐप ऐसे भी शायद फ्री है। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एडलवाइस को तो मैं प्रमोट करूंगा भी नहीं, बट बोल दे रहा हूँ, जिसको देखना है देख लो। देखिए, मैं प्रमोट किसी को भी नहीं करूंगी ना, मैं मतलब मैं तो सिर्फ नॉलेज बेस पे काम करती हूँ। तो अगर मैंने कहा ना कि अभी सुनना पड़ेगा मुझे, मैं कंजर्वेटिवली बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे रिटर्न्स आते हैं। तो मान लो अगर मैंने 10 ट्रेड किए और ऑन एन एवरेज 10 ट्रेड के पीछे मुझे सिलेटस से 4 ट्रेड मेरे गलत गए, तो कितने गए, वर्स्ट के सिनेरियो में भी 30 के पकड़ लो, राइट? हाँ। तो क्या आपको लगता है, और 6 ट्रेड आपके राइट होंगे तो उसमें एवरेज में कितना आएगा? एवरेज में कम से कम मुझे 15 से 20 एवरेज। जी, ये आपको दिखाया ना, ये तो चलिए एक एक्सेप्शन है, लेकिन जनरल में आता है, ये एक्सेप्शन नहीं है। अगर 4 दिन में भी आता है तो क्या बुरा है? समझ गया। आप बोलिए, मैं आपको पर्सनली ये ट्रेड्स भेजते रहूंगी, सिर्फ पर्सनली, नॉट टू शो टू अदर्स। मैं तो ये राय दूंगा लोगों को कि देखिए, एक स्ट्रेटजी आपको मिल गई है ज्योति जी से, अगर आपको लगता है स्ट्रेटजी में कुछ है, जो कि मुझे लगता है, तो आप फ्रंट टेस्ट करिए, थोड़ा दिन करके देखिए, अगर आपको जम जाए तो आप उसको यूज करिए, नहीं जमे तो आप मत यूज करिए। क्योंकि अभी आज मुझे बाटा में मिला, बाटा में कितना मिला मुझे फाइनली, 3,000 मिला ना। हाँ मिला ना, तो एवरेज 15,000 मेरे को थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट आप बोल रहे हैं तो सही होगा। सर 15 मिल जाता है एवरेज, कभी कभी 25 से 30,000 रुपए भी मिल जाते हैं। एक्चुअली लॉट साइज जनरली बड़े ही होते हैं ना आजकल, तो अभी बड़ी है ना, इसलिए अगले महीने से कम हो जाएगी काफी। हाँ तो उसमें फिर आपका कम हो जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा फिर। हाँ तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा ना, आप लॉट्स बढ़ जाएंगे। मैं तो आरओआई के हिसाब से बात कर रही हूँ ना। तो अगर मैंने एक्चुअली सच पूछो तो कभी परसेंटेज का हिसाब नहीं निकाला कि कितना होता है, बट हर महीने प्रॉफिट्स जो आता है उसका 10% ऐसे मल्टीबैगर में डालने का। और खाली ये ही नहीं, क्यों, कैश में भी काम करते हैं, और मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो चार्ट रीड करके मैं अपने बाकी के ट्रेड्स भी तो करती हूँ, कैश ट्रेड्स भी तो करती हूँ। दिस इज वन पार्ट ऑफ ऑप्शंस व्हिच आई हैव शोन that it is very easy for a buyer, because buyer सबसे ज्यादा दुखी कब होता है, जब मंथ के एंड में प्रीमियम जीरो हो जाता है। तो अगर उसको कुछ भी प्रॉफिट आता है तो क्या बुरा है। एक अच्छा क्वेश्चन आया रोहन जी का कि do you diversify while trading or do you put all the capital in one stock? नहीं सर, कैसे कर सकते हैं, मैंने बार बार यही कह रही हूँ ना कि मैं एक स्टॉक में इससे ज्यादा नहीं लगाती हूँ, ऑप्शन में खास करके, और मेरा प्राइस स्टॉप लॉस और टाइम स्टॉप लॉस दोनों है। तो कितने स्टॉक्स में एट ए टाइम पोजीशन रहता है मेरा? देखिए सर, मैं अभी कल, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कल मैं टाटा पावर में जो मेरा ट्रेड हुआ, तो कल मैं किसी और में ट्रेड कर ही नहीं पाई, क्योंकि उसमें लॉट साइज बड़ा है, उसमें आपका कैपिटल काफी लग गया। कैप नहीं, वो बात नहीं है,
वो इस इतनी स्पीड से आधे घंटे में पैसा दे गया कि उसके बाद जब मैंने मार्केट देखा ना तो मुझे ट्रेड नहीं मिला। अच्छा, सारे समझ। फटफट फटफट है ना, 5-7-10% डाउन हो गए थे। मिस द बस, फॉरगेट द ट्रेड। सही बात। सर 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर 10-12-15 ट्रेड मिल जाता है और क्या चाहिए सर। एंड लास्ट वीक यू कांट ट्रेड ऑल्सो। लास्ट वीक यू आइदर डू इंट्राडे और डोंट डू एनी ट्रेड और डू कैश ट्रेड्स। यू कांट डू ऑप्शंस इन लास्ट वीक। क्यों बेच के? अब फिजिकल सेटलमेंट है ना सर। बेच के सारे मतलब ब्रोकर्स, क्या? सारे ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा, और मैंने कहा ना मैं थोड़ी बाइंग साइड में प्रेफर करती हूँ। समझ गया। और लास्ट वीक में जो है इंट्राडे अगर करो तो ठीक है, यू कांट टेक इट फॉर 3-4 डेज ना, ब्रोकर विल नॉट अलाउ यू ड्यू टू फिजिकल सेटलमेंट। तो बच्चे आपके पास सिर्फ कितने दिन ट्रेड के, 14-15 दिन में अगर आपको ऑन एन एवरेज रोज का एक ट्रेड मिल जाए तो क्या बुरा है ये। सही है। सो ज्योति जी, ये तो ऑप्शन है। और कितना पैसा लगा के कर रहे हैं हम, सही और है। जब इतना पैसा लगा के कर रहे हैं तो टाइम स्टॉप लॉस मैटर्स अ लॉट अपार्ट फ्रॉम प्राइस स्टॉप लॉस। जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा मैंने आज आपसे। जब भी बात करता हूँ आपसे कुछ नया मिलता ही है, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरेक्शन की नया तो मैं कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। ज्योति जी, कई बार क्या होता है कि लोग है ना कमेंट पास करते हैं कि आपने क्या वीडियो रिकॉर्ड किया, आपने क्या इंटरव्यू लिया, कुछ सीखे ही नहीं। और मुझे बहुत दया आती है उन पे जो ये कमेंट करते हैं कि इसका मतलब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि अगर हम 50 मिनट, 55 मिनट हो गए अपने को, 56, ऑलमोस्ट 7 बज गए, जो अब मैंने आपसे 45 मिनट मांगा था आपने मेरे को 56 मिनट दे दी ऑलरेडी। 56 मिनट में मुझे दो ऐसी बातें मिल गई जो मेरे ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर देंगे। मैं मार्केट में 15, 16, 17, 18 साल से हूँ, उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि ये दो बातें मैंने क्यों नहीं सोची और मैं क्यों नहीं इसको यूज कर रहा हूं। तो लोग अगर ध्यान देंगे तो हर इंटरव्यू में, हर डिस्कशन में कुछ ना कुछ एक दो लर्निंग की बात हो जाएगी जिससे उनका ओवरऑल जर्नी बेटर हो जाएगा। और ज्योति जी, आपके साथ तो ऐसा बहुत है सर। सर एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपको, एक एक मिनट लेती हूँ एक्स्ट्रा। हाँ लीजिए ना। आपको जो फीडबैक आते हैं कि भाई कुछ नहीं सिखाया और नहीं सिखाया, तो ये तो आते ही रहेंगे। हाँ, बिकॉज स्पून फीडिंग मैं नहीं करना चाहती, मैं सिखाना चाहती हूँ। लेट देम स्टैंड ऑन देयर फीट एंड आई एम रेडी टू टीच। ये देखिए, ये सेशन में इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं सिखा रही हूं ना। मल्टी बैगर का कोर्स किया था, कितने नॉमिनल रेट में है हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल, कितने नॉमिनल रेट में, आपके कितने वेबिनार्स है एकदम नॉमिनल रेट में है। I'm not promoting anything. But the thing is, I will tell you one line that trading is very, very simple. It is we are the people, we traders are the people who make it complicated. सही है। दोस्तों, ज्योति जी से बात करके बड़ा मजा आता है, और आप भी ज्योति जी को फॉलो कीजिए, उनके ट्विटर हैंडल पे उनको फॉलो कीजिए। इस वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, हो सके तो इनका वेबिनार जो इलन मार्केट्स में होस्टेड है वो वेबिनार लीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट है, रीजनेबल। इलन मार्केट्स में वेबिनार हम लोग इतना कॉस्ट इफेक्टिव रख रखे हैं कि नॉलेज आपको इतना मिले और इतना सा पैसा आपको देना पड़े, और वो भी पैसा क्या, अल्टीमेटली कंपनी चला रहे हैं तो खर्चा निकालने के लिए पैसा तो चाहिए। तो आप सपोर्ट करेंगे तो हम और बेटर काम कर पाएंगे और ज्योति जी जैसे रियल मार्केट के टैलेंट को आपके सामने लेके आ पाएंगे और आपसे कनेक्ट करवा पाएंगे। ज्योति जी, थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है आपसे बात करके। इट वॉज फन इंटरेक्टिंग विथ यू। आई विल टेक योर टाइम वंस मोर, एक बार और मैं आपसे समय लूंगा आफ्टर फ्यू मंथ्स, और वापस से कुछ और कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे इसे। जी बिल्कुल जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और दोस्तों आप सबको भी मुझे ऐसी देखिए, मैंने अपनी कोशिश की है थोड़ी सी सिखाने की। आई होप पीपल्स, लोगों को कुछ समझ में आया तो अच्छा है।
समझ में आएगा डेफिनेटली, मुझे भी समझ में आया, और आपकी आवाज खराब है उसके बाद भी आपने पूरा 60 मिनट हमको दिया, नथिंग लाइक इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सर. थैंक यू. बोलने में तो हम लोगों को लेडीज लोगों को कोई रोक नहीं सकता ना. दिस इज द अल्टीमेट सेंटेंस टू सम अप दिस इंटरव्यू. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.